نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين الحمد لله سورة حج جو هي وہ ہماری مکمل ہو چکی آج جو ہے ہم سورة مومنون سے आज की जो सूरह है इन जब आप लोग आज हम पढ़ेंगे तो आप लोग को एहसास होगा कि इतनी कंप्लीट खसूसियात बताई गई हैं एक ही सूरह के अंदर एक ही उसके स्टार्ट के अंदर इतने कंप्लीट करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं उन लोगों के जिन लोगों ने फलाह पाई तो ये जो स्पेशली जो शुरू की ग्यारह आयतें हैं इनको बड़े ग़ौर से सुनिएगा और साथ साथ अपना तजकिया करिएगा अपने बारे में सोचिएगा जब आप ये पढ़ें तो आपको एहसास हो कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आयाज हैं, इनको बड़े ग़ौर से सुनिएगा चाहे अगर आपके पास आप चाहें कोई पेन और पेपर ले आए उसमें नोट्स बना लें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत आयात है इस लिहाज से कि हमें अंदाज़ा हो कि हम कितने पानी में हैं या कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर अंदर मौजूद हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सल तमा रहे हैं कि ये लोग कामयाब लोग हैं इनके लिए जन्नतें हैं और ये कुछ चीज़ें अल्लाह सब हमें बताई हैं जो कि ऐसे लोगों के अंदर जिनके लिए जन्नतें हैं ऐसे लोगों के अंदर ये वाली खसूसियात जो है वो मौजूद होती हैं तो इस चीज़ को गौर से सुने और अपने साथ साथ जो है अपना अपने आप को एवेल्युएट करें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं काम निकाल ले गए अहले ईमान इसकी बहुत मुख्तलिफ किस्म की भी के फलाह पा गए ईमान लाने वाले इस तरह की भी जो है इसके अंदर इसका तर्जमा हुआ है लेकिन जो ये तर्जुमा किया है और जब मैं इसकी तफसीर सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जो फलाह होता है ना ये अरबी जबान में किसान को कहते हैं जो फार्मर होते हैं ना उसको फलाह कहते हैं तो जिस तरह फलाह अपना ज़मीन को फाड़ता है उसके अंदर बीज डालता है और फिर उसमें से जो फसल निकलती है तो जिस तरह वो मेहनत करके फाड़ कर बीज डाल कर और वो अपनी जो फ़ायदेमंद चीज़ें वो निकाल लेता है इसी तरह हमारे अंदर भी वो ट्रू ईमान वो अच्छी खसूसियात हम सब के अंदर मौजूद है जिनको हमने मेहनत करके फाड़ के निकालना है एक अच्छा इंसान बनना है तो वो लोग जो ये काम कर पाएंगे वो लोग फलाह पा जाएंगे वो लोग जो हैं वो मोमेंट जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे तो जो चीज़ें अल्लाह साल ने हमें बता दी हैं कि जो करने वाली हैं कि यकीनन कामयाबी पाई है ईमान लाने वालों ने जो एक ये भी तर्जुमा जो मौलाना मोदूदी ने किया वो उस तरह से उन्होंने तर्जुमा किया तो उसको जानने के लिए हमारे लिए ये पहली की जो शुरू की जो पहली ग्यारह आयतें हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा और जो जहाँ जो अब खसूसियात शुरू हो रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ, आप लोग भी ना साथ साथ अपने आप को इस हर आयत के साथ अपने आप को रिलेट करें और ये देखें कि हमारे अंदर हम कितना इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और मजीद क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है तो जो 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 पहली चीज़ है जो लोग गए गए हैं मोमिन उनमें क्या क्या खसूसियात होती है वो जो अपनी नमाजों में खुशबू अख्तियार करने, करने वाले हैं अच्छा खुशब क्या है बेसिकली खुशब जो है जो मैं एक जगह एक्सप्लेनेशन इसकी सुन रही थी तो वो उन्होंने कहा कि खुशू का मतलब ये है कि जैसे आप एक सड़क पे खड़े हुए हैं और एक तेज स्पीड में जो है वो आ आगे से कोई ट्रक या ट्रेन आ रही है और आपने जब जिस टाइम पे उसे मुड़ के देखा है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल आपके साथ पहुंच चुकी है तो वो जो एक सेकेंड है ना वो जो आपका खौफ का सेकेंड है और जो आप मूव भी नहीं कर सकते तो ये दिस इज खुशबू यानी कि आपके अंदर अल्लाह सुबहाना का इतना ज्यादा कॉन्शियस होना कि आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और फिर उस उस माइंडसेट को दिमाग में रहे, उस उस माइंडसेट के साथ आप नमाज पढ़े समझ नहीं मेरी बात मतलब आप इतने ज्यादा कॉन्शियस हो नमाज पढ़ते है अल्लाह के सामने हम तो दस ख्याल हमारे जहनों में आ रहे होते हैं नच इज नेचुरल लेकिन हम बार बार उन ख़्याल को अपने जहन से निकालें और हम दोबारा नमाज की तरफ फोकस करें जो कलम हम अदा कर रहे हैं उनकी तरफ बारहा फ़ोकस करें जब हम सुरफात पढ़ रहे हैं या जो सूर सात में पढ़ रहे हैं या जो तस्बीहात हम रुकों में पढ़ रहे हैं सजदे में पढ़ रहे हैं या जो दुआएं हम मांग रहे हैं बैठ के तो उनके बारे में हम कॉन्शियसली वो अल्फाज अपने दिमाग से दिल से अदा कर रहे हों तो जो कॉन्शियस होते हैं अपनी नमाजों में वो जो अपनी नमाजों में खुशबू इख्तियार करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज कि यकीनन कामयाबी पाई है ईमान लाने वालों ने जो अब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में क्या आ गई वो ये है वो जो अपनी नमाजों में खुशु इख्तियार करने वाले हैं, ठीक है थीके? अच्छा पहली चीज तो हो गई नमाज आप ये देखें हम जहां कहीं भी एक मोमेंट की बात अल्लाह तआला फरमा रहे होते हैं या वो लोग जो प्रैक्टि, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं सबसे पहले वो अपनी नमाजों को दुरुस्त करते हैं ये बात हम कई दफा कुरान में पढ़ के आ चुके हैं और आप इसे नोटिस करिएगा सबसे पहले वो अपने आप को सीधा करते हैं तो सबसे पहले नमाज सबसे पहले नमाज क्योंकि आप हदीस में भी जानते हैं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में आपने फरमाया फर्क ही नमाज का है जिसने जानबूझ के नमाज कर, कर दी वो हम में से नहीं तो नमाज तो किसी सूरत नहीं छोड़नी है अगर फलाह चाहते हैं तो नमाज किसी सूरत नहीं छोड़नी ठीक है थीके? अच्छा अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है वह मुअरिदून और जो लफ् बातों से एराज करने वाले हैं लफ बातें क्या होती हैं कौन बताएगा बुरी बातें बुरी बातें कौन सी बुरी बातें कोई कोई एग्जाम्पल भी देना साथ साथ सही कहा है आपने लफ बात लफ बेसिकली फजूल बातें यूजलेस जिनका कोई फायदा कोई नुकसान नहीं कुछ भी नहीं बेहयाई की बातें बेहयाई की बातें और ऐसी बातें जो किसी की बुराई या किसी के पेट पीछे की जाए मतलब मैंने डिफरेंट जगहों से जो मैं इसके बयान इसके बारे में जो तफसीर पढ़ी थी तो उसमें जो जख्तलिफ चीज़ें मुझे सुनने के लिए मिली उसमें है गॉसिप्स हम लोग खवा मखा बैठ के फजूल बातें देर तक करते रहते हैं या फजूल मजाक करते रहते हैं या बैठ के फजूल गाने सुन रहे हैं बेहूदा गाने बैठे हुए सुनते रहते हैं या बेहूदा बातें करते रहते हैं आपस में बैठ के या डर्टी जोक्स शेयर किए जाते हैं इनका कोई फायदा है वो जो चीज जिसका कोई फायदा ही नहीं है ना दुनिया में ना आखिरत में वो है कोई फायदा नहीं उसका या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे हैं बैठे हुए या बना रहे हैं। यूजलेस कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन जो बिल्कुल यूजलेस चीजें बना रहे हैं बैठ के जिनका कोई पैर नहीं है जो अपनी रूटीन शेयर कर रहे हैं या अपने कपड़े शेयर कर रहे हैं या अपने जूते शेयर कर रहे हैं या अपना नया कोई हेयर स्टाइल शेयर कर रहे हैं या अपना कोई और नया इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं जिसका दूसरी दुनिया में किसी को दूसरे लोगों को दुनिया में कोई नहीं। नहीं को फायदा नहीं है ना ही आपकी जात को कोई फ़ायदा पहुंचेगा वो बनाने का फजूल किस्म के मीम्स बनाए जा रहे हैं टिकटॉक वीडियोज़ देख रहे हैं या बना रहे हैं बैठ के ये सारी चीज़ें लव चीज़ें कोई फायदा नहीं है इनका खेल तो गेम्स खेल रहे हैं तो घंटों गेम्स खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म की कैंडी क्रश खेली जा रही है इनका जिनका कोई फायदा नहीं है आपकी जिंदगी में मुझे बताएं इनका कोई फायदा है बताएं मुझे कोई फायदा है इनका मुझे इनमें से जो एक चीज आप तो मुझे तो बता कि मिस इसका ये फायदा होता है मुझे अच्छा मुझे बताएं सीरियसली गॉसिप का कोई फायदा है नो no, मैम, गाने सुनने का क्या फायदा होता है सिर्फ वक्त वक्त जाया होता है और आप मुझे बता दें कि गाना सुनने से ये चीज़ बेहतर होती है आपकी क्या चीज बेहतर होती है या बेहुदा बातें करने से या डर्टी जोक्स शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है सिर्फ मुझे बताएं कि इसका ये फायदा होता है हमने जिंदगी को बस फन बना लिया है हमें लगता है हर चीज में फन होना चाहिए मज़ा होना चाहिए जिंदगी गुजारने का ये तरीका मैं एक जगह इस तफसीर एक पढ़ रही थी और मुझे वो बात इतनी दिल को लगी कई दफ़ा होता है ना कि आपको चीज़ पता होती है लेकिन कई दफ़ा हिट कर जाती है उन्होंने कहा वक्त जो था ना ये तो इस्तेमाल करने की चीज़ थी हमने उसको जाया करना शुरू कर दिया किलिंग टाइम हालांकि वक्त ही तो हमारे पास एक्चुअल असासा ही वक्त है दिया ही इंसान को वक्त गया है। एक वक्त मन तक एक वक्त मन तक कितनी दफा हम कुरान में पढ़ते हैं एक टाइम तक तुम यहां पर हो टाइम ही तो स्पेंड करने की चीज थी टाइम तो इस्तेमाल करने की चीज़ थी हमने इसको जाया करना शुरू कर दिया बैठे हुए दूसरों की बैक बाइटिंग करेबत करेबत का मुझे पता है फायदा क्या होता है लोगों के बारे में बैठ के अब गॉसप कर रहे हैं भुगतान लगा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ड्रामास देख रहे हैं मूवीज देख रहे हैं मुझे सिर्फ ये बता दें इनका फायदा किस चीज़ का फायदा इनमें से किसी चीज़ का फायदा है और आजकल हम लोगों के कितना परसेंट टाइम इसमें लगता है ये बताएं कितने परसेंट टाइम हम अपनी जिंदगी दिन का इसमें लगाते हैं मेजोरिटी लोग बताएं कितने परसेंट कोई कोई आइडिया एटी नाइन्टी परसेंट हम अपनी जिंदगी का टाइम इसमें लगाते हैं या बनाने में या देखने में और मुझे बताएं इसका फायदा क्या है अगर आपको अगर लोगों को ये लगता है कि ये इससे जो इनकम आ रही है वो हलाल है तो वो भी हलाल नहीं है ये भी बता दूं मैं आपको आप इसके बारे में स्कॉलर्स के भरे पड़े हैं फतवे वो भी हलाल लेकिन ये कहते हैं कि मेहनत तो हम फिर भी करते हैं ना वीडियोस बनाने में भी तो हम मेहनत ही करते हैं लेकिन उनको कौन समझाए कि ये मेहनत ये वाली मेहनत नहीं है पैसे कमाने की शराब पीने शराब बनाने में भी मेहनत लगाते हैं आपको पता है ना सबसे जो पुरानी शराब होती है वो कई कई सौ साल पुरानी होती है तो फैमिलीज के थ्रू ये बिजनेस चल रहा होता है वो आप सोचे कितने वो तो कई मतलब सेंचुरी से मेहनत कर रहे होते हैं वो हराम काम में तो आप जितनी मर्जी मेहनत डाल डाले वो हराम ही रहेगा है ना बिल्कुल आप सही कह रही हैं बात है कि हम मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर हम कंटेंट प्रोड्यूस कर मैम तो मतलब आगे से ये सुनने को मिलता है कि तो हम इसमें भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना कौन सा कौन सा ये व्लॉग या वीडियो जो है वो आसानी से बनती है हम इतनी बार बनाते हैं फिर इसको हटाते हैं फिर बनाते हैं फिर कहीं जाके वो बनती है बिल्कुल, बिल्कुल। ये है, अपने है। ये कि अपने नफ्स को या नहीं होगी हो हो हमें इस चीज हम इस चीज के बारे में सोच लेकिन नहीं है। जी लेकिन मैम हिदायत भी तो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है लेकिन उनको ये लग रहा होता है कि वो जो कर रहे हैं सही है वो मतलब उनको ये सोच ही नहीं आती ना उनके दिमाग में ये बात आती है कि हम जो कर भी रहे हैं वो सही नहीं है अल्लाह नाराज होगा उनके माइंड में या दिल में ऐसी बात आती ही नहीं है तो मेरे ख्याल से हिदायत भी अल्लाह जिसको चाहे वो उसको दे तो उनको ये सही लग रहा होता है तो बात याद रखिएगा इस चीज को हम कभी भी दलील नहीं बना सकते कि जी हिदायत अल्लाह की तरफ से बेशक अल्लाह तक ने कुरान में मल्टीपल टाइम कहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ लेकिन हमने कुरान में ये भी पढ़ा है कि वो उन लोगों को गुमराह करते हैं जो कि जालिम होते हैं या हिदायत उनको देते हैं जो हिदायत के तालेब होते हैं क्या वो लोग अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं नहीं उन्हें फेम नजर आ रहा है पैसा नज़र आ रहा है चाहे हलाल से चाहे हराम से क्या वो अपने आ, कभी एक सेकंड के लिए ये सोचते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं जो इस चीज का ताले भी नहीं है उसको हिदायत आप कैसे देंगे ना सोते को तो जगाया जा सकता है जागते को कैसे जगाएंगे आप तो क्या वो कभी इस चीज के बारे में सोचते हैं एक सेकंड के लिए क्योंकि कुरान तो बार बार ये कहते हैं ना कि ये सोचने वालों के लिए हिदायत है एक सेकंड के लिए इंसान सोचे कि जो मैं काम करने जा रहा हूं क्या इसका कोई फायदा है या क्या ये सही है या गलत है अल्लाह ताला बार बार तभी तो कहते हैं कॉन्शियस अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह का तकवा इख्तियार करो कॉन्शियस रहो अल्लाह ताला के बारे में तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हैं इनका कोई फायदा नहीं है हमारी जिंदगी में बेहूदा जबान इस्तेमाल गालम गलोच करेंगे लोगों पे भोतान और गॉसिप्स तो इतनी आम है सिर्फ पेट के हम बेहूदा फजूल बातें करते रहते हैं जिनका कोई फायदा नुकसान नहीं नुकसान तो खैर फिर भी होगा जाहिर सी बात है आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं इस वक्त का भी हमें जवाब देना होगा क्या मत वाले दिन लेकिन जब ये सारी चीजें निकलती हैं अगर आप इन चीजों को अच्छा अपनी ज़रा सोचें अपनी जिंदगी से निकाल दें तो फिर तो खत्म ही होगी जिंदगी है ना अगर नाइनटी परसेंट हम अपना वक्त जो है इसी चीज में लगा रहे हैं तो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं बचा क्या ख्याल है ऐसा ही है ना फिर तो जिंदगी की सारी हैं जरूरी तो नहीं है कि हम कोई गुनाह करें तभी हमें मजा आए इंजॉय करने के बाकी हलाल तरीके सही कहा आपने। मैंने कुछ चीजें लिखी है आई एम श्योर आप लोगों के जहन में मेरे से भी कहीं ज्यादा होंगी माशा आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन चीजों में सबसे पहले अपनी इबादत पे फोकस करें जो नमाज जो रोजा हज सका ये चीजें जो आप लोगों के ऊपर फर्ज की गई हैं ना सबसे पहले इनको संभाल के रखें उसके बाद एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं बेटे जो चीजें आप दुनिया जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं एक चेकलिस्ट बनाएं उसकी कि मैं ये करना चाहती हूँ अगेन हलाल चीजें और उसको करने का उसको अचीव करने का दुआ करें और तरीका ढूंढे फिर अपने आप को फायदेमंद नॉलेज में बढ़ाएं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो चाहे वो किसी घरेलू चीज से रिलेटेड हो चाहे वो आपके दीन से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी तालीम से रिलेटेड हो अपने आप को इस चीज़ में बेनिफिशियल नॉलेज में बढ़ाएं ताकि आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें उन्हें भी फायदा दे सके बेनिफिशियल स्किल्स सीखें नई नई चीजें सीखें पहले तो बहुत ज्यादा ये चीज़ कॉमन थी ये तो क्योंकि अब इंसान ने अपने आप को गलत चीज़ों में मसरूफ कर लिया है एम्ब्रॉयडरी है निटिंग है इन चीज़ों में ये चीज़ें बड़ी ये क्रेश वगैरह है ये छोटे छोटे स्किल्स है फारग बैठे हुए तो यही सीख लें अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है देखें उससे ये स्किल्स सीखें कल को आप उसी को फायदा पहुंचा सकें इससे और फिर आप नई स्किल्स सिखा सकते हैं लोगों को अपने अपने घर के अंदर छोटा मोटा सेटअप करके ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत तरीके अपने आप को मसरूफ़ करने के और बहुत तरीके कमाने के बीन से आप कमा भी सकते हैं फायदेमंद चीज़ें जो लोगों को फायदा पहुंचाएं और माशाला पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है या ओवरऑल मुसलमानों में भी टैलेंट की कमी नहीं है अगर आज आप पाकिस्तान की ही बात कर लें इतने क्रिएटिव मीम्स बनते हैं बेहुदा होते हैं सब कुछ होते हैं लेकिन बड़े क्री, उसमें भी वही जैसे कि अभी एनी ने बात हमारे साथ शेयर की उन्होंने कहा कि उसमें भी मेहनत तो लगती है तो किसी ढंग के काम में मेहनत लगा लें कोई ऐसी चीज बना लें जो कि लोगों के लिए वाकई में फायदेमंद हो अपना ख्याल रखें जी जी बताइए मैम जैसे मतलब वीडियोस जैसे हम किसी को दीन की नॉलेज भी दे रहे होते हैं इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जिससे हमें नॉलेज मेहनत है किसी का फायदा हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही बेटा इसमें किसी का फायदा और ऐसा वैसा, वैसा फायदा हो रहा है जो दुनिया और आखिर डबल फायदा दे रहे हैं वो तो यूथ क्लब वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे काम करें जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो इवन अगर कोई आप नया स्किल लोगों को सिखाना चाहते हैं देखिए हर एक का अपना डिफरेंट कैलिपर है डिफरेंट एप्टीट्यूड है हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से कामों को लेके चलता है तो जो चीज़ आपको लगता है कि फायदेमंद होगी लोगों के लिए इवन स्टिचिंग की वीडियोज मिलती हैं इस तरह या इवन कुकिंग की कुछ ऐसी वीडियोस अगेन हर चीज को ओवरबोर्ड नहीं करना हमने बहुत ज्यादा वक्त इसमें ज़ाया नहीं करना लेकिन अगर कोई नई चीज़ नया स्किल आप लोगों को सिखा सकते हैं देन माई नॉट ये तो लोगों के जो हदीस में है कि कोई बेनिफिशियल नॉलेज ये भी सदका जा रिया है बेनिफिशियल नॉलेज सदका एजारिया है जो आप आगे लोगों तक पहुंचा दें आपके मरने के बाद भी उसका फ़ायदा आपको पहुंचता रहेगा अपना ख्याल रखें अपनी हाइजीन का ख्याल रखें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें अपने आप को मेनटेन करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें रिश्तेदारों का हाल अहवा पूछते रहा करें इसमें भी बहुत वक्त लग जाता है अगर हमें अपने दिन का को प्रोडक्टिव तरीके से गुजार रहे हैं आप इसमें अपने दिन लगाएं अपने खाला मामू चचा पोताया इन सब का ख्याल रखें आपके रहमी रिश्ते इसमें आप आ, ना ही वैसे आपको फायदा दुनियावी तौर पे भी इसका फायदा है बल्कि आपके रिस्क में बरकत होगी आपकी उम्र में बरकत होगी हदीस में है जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो उसके रिस्क में बरकत हो वो सिला रहमी करें एक्सरसाइज किया करें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना ख्याल रखें ये नेमत है अल्लाह की आपको जो सेहत दी गई है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें अपने आप को मसरूफ किया जा सकता है तो बजाय इसके कि इंसान अपने आप को इन चीजों में मसरूफ रखे बेहुदा चीजों में मसरूफ रखे अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में लगाए तो क्या है ये तो जो सेकंड पॉइंट है पहला क्या था कि हमारी जो नमाजें हैं उसमें खुशु हो अल्लाह ताला के बारे में हम कॉन्शियस होकर नमाज पढ़ें और दूसरी कि हम फजूल बातों से लग्ब बातों से दूर रहें अब तीसरा क्या है और वो जो हर दम अपने तस्की की तरफ मतवजा रहने वाले हैं इसका क्या मतलब है जो तीसरी क्वालिटी है एक मोमेंट की अपने नफ्स को पाक रखना अपने नफ्स को पाक रखना थैंक यू सो मच यानी कि वो मुस्तकिल अपने आप को इस चीज के ऊपर तोज्जा देते रहते हैं कि कैसे अपने आप को बेहतर करें और क्या कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है जिसको वो दूर कर सकते हैं अपनी प्योरिफिकेशन अपने तस्की के ऊपर काम करते हैं अगर वो कुछ देख रहे हैं तो कॉन्शियस रहे कि क्या ये सही है कुछ खा रहे हैं तो इसके बारे में कॉन्शियस रहे कुछ पहन कर ओढ़ कर बाहर जा रहे हैं तो इसके बारे में कॉन्शियस रहे कि क्या पहन ओढ़ के बाहर जा रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं मुस्तकिल अपने आप को बेहतर बनाने की एक बेहतर अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं बाहर जा रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं किस तरह बात कर रहे हैं किसी नॉन मेहरम से बात कर रहे हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं किसके साथ बाहर जा रहे हैं क्या पहन ओढ़ के बाहर जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में कॉन्शियस मुस्तकिल कॉन्शियस रहे बेटा अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की जहिद में लगे रहे ये ज़िंदगी बहुत छोटी है एक वक्त आएगा और हम अपने रब के आगे खड़े हुए होंगे इतने ही जिंदा जितने अभी हैं ये जो थोड़ी सी देर की लज्जत होती है ना ये चली जाती है लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है इसलिए मुस्तकिल कोशिश करते रहे कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं बेहतर से बेहतर बनाए और कॉन्शियस रहें कि क्या कुछ कर रहे हैं क्या ये सही है या ये गलत है एक दिन आएगा बेटा ये चीज़ आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी ये ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा इसके बारे में सोचना पड़ेगा इतना सोचना हमेशा नहीं पड़ता एक वक्त आता है जब आपके आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है कि ये शख्स ऐसा है उसको इसी तरह ट्रीट करना है ये सिर्फ स्ट्रगल जो है ना ये थोड़े से वक्त के लिए होती है और वो भी इसलिए होती है क्योंकि हमारे बड़ों के कई दफा या घरों का माहौल उस तरह का नहीं रहा होता जो इस्लाम के मुताबिक होता है तो इसलिए हमें वो पहला स्टेप लेकर स्ट्रगल उठानी पड़ती है आती है मुश्किल हमें आजमाया जाता है कि कितना फर्म खड़े हुए अपने ग्राउंड पे तो ये सबके साथ होता है और जब आप अपनी पूरी जान लगा देते यकीन करें ये रास्ता आसान हो जाता है आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी पता चल जाता है के ये इंसान हटने वाला नहीं है अल्लाह ताला से मदद मांगे और अपने आप को फर्म रखें चीजों के ऊपर ठीक अब आगे चलते हैं और चौथी चीज क्या है वजीना फुरूजी हाफिज़ून और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं यानी कि पहले आप कॉन्स्टेंटली अपने बारे में कॉन्शियस रहें कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या नहीं और उसके बाद अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करने वाले लोग ये चौथी चीज़ है जो कि एक मोमेंट के अंदर होनी चाहिए वो मोमेंट जो फला पा गया है कि वो अपनी नमाज में खुशब इख्तियार करता है वो लक बातों से अपने आप को बचा के रखता है वो कॉन्सटेंटली अपना तस्किया करते रहते हैं और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं यानी कि अपने आप को जिना से बचाना और जिना से बचाना डायरेक्ट उस एक्ट ऑफ जिना नहीं है उससे पहले भी बहुत कुछ है सिवाय अपनी बीवियां बीवियों या अपनी लोंडियों के अजवाज अगेंस्ट स्पाउस में आता है या अपनी लोंडियों के तो ऐसे लोग पर कोई मलामत नहीं ये बात याद रखें यह उस वक्त ये अब लोंडियो वाला सिलसिला अब एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन जिस वक्त इस्लाम आया था उससे पहले अरबों का एक प्रॉपर कल्चर था उस वक्त वहाँ पर लोग मौजूद थे जिनके पास गुलाम भी थे लोंडियाँ भी थी और क्योंकि वो उनके हाउस होल्ड के अंदर ही थी तो वो उनके लिए जायज थी उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होना जायज़ था तो उस वक्त के दौर के लिए जाहिर सी बात है जब कुरान वहाँ पे उतरा है तो ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद था अब इसका कोई सिस्टम नहीं है अब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन अगर आप अपने जो ख्वाहिशात हैं फिजिकल नीड है वो अपने स्पाउस के साथ पूरी कर सकते हैं ये जायज़ तरीका अल्लाह सुबहान बता दिया है अल्लाह सुबहान इंसान के अंदर एक नीड रखी है आपको भूख लगती है आप, आपको खाना है, आपके लिए हलाल कर दिया है इसी तरह इंसान की कुछ सेक्सुअल नीड्स रखी हैं उसके लिए आपके लिए शादी हलाल कर दी है अदर देन दैट इट्स हराम और नॉट ओनली दी एक्ट ना ही सिर्फ जिना हराम है उससे पहले की जो चीजें हैं उससे भी अपने आप को बचा के रखना है فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा यानी कि अदर देन योर स्पाउस और जो लॉन्डियों का हुक्म आया है तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो ऐसे लोग ही हद से बढ़ने वाले हैं इसके अलावा कुछ चाहेगा का क्या मतलब हो सकता है हराम हराम रिलेशनशिप और मैम के uh... जो आ, uh, किसी मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो गई है नहीं मैम जो मतलब आपको जैसे एक रिश्ता मिल गया है लाइक बीवी और जो कुरान में है वो उसके अलावा आप कहीं बाहर जाके अगर इस तरह का कुछ काम करते हैं तो वो वो सही नहीं है हराम है हराम नजायज रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड्स इन बोथ हाँ वही वही लेकिन इसके अलावा जब इंसान अपने आप को इस रस्ते पे डालता है सिर्फ जिना की बात यहाँ पर नहीं हो रही है तो... शर्मगाहों की हिफाजत की बात हो रही है जिसका मतलब ये है कि अपने आप को इंसान इस गंदगी से दूर रखे जब हम इस तरह की मूवीज और गाने सुनते हैं बेहुदा किस्म तो के तो इंसान के जज्बात जो हैं वो उभरते हैं हर इंसान के साथ ये होता है इसीलिए तो म्यूजिक को फिर हराम किया गया क्योंकि आपके जज्बात आप कोई सैड सॉन्ग सुनेंगे आप रोना शुरू कर देते हैं आप कोई खुशी वाला सॉन्ग सुनेंगे तो आप खुश हो जाते हैं आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे तो आपके जहन में कोई इंसान का कोई छबी बननी शुरू हो जाएगी चाहे आपका उससे कोई ताल्लुक ना हो ये चीज़ें आपके जहन के साथ जो है ये खेलती हैं तो आप अपने आप को उस रस्ते पे डाल रहे हैं और इंटरनेट पे जो किस्म की चीज़ें देखना है फोनोग्राफी ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जाहिर सी बात है अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है तो इसका कोई कंज्यूमर है और अगर आप खुद से इसकी तरफ ना भी जाएं तो फिर वो लोग जिन्होंने ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी है दे विल मेक श्योर के आप लोगों को इस तरह की सजेशन इंटरनेट पे हर वक्त मिलती रहे ऐसा होता है कि नहीं होता कि आप कुछ देख रहे होते हैं और एकदम आउट ऑफ नो एक, एक अजीब साइड आ जाता है आपके सामने ये फोर्स की जाती है आपके ऊपर एग्जैक्टली yes, yeah. exactly, ये चीजें हमारे ऊपर मुसलत की जाती हैं लेकिन ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं बज़ाहिर फिल्में गाने देखने में हमें कोई आ, मसला नज़र नहीं आ रहा होता या इवन हमें लगता है कि चलो ये चीज़ें देखने में भी कोई मसला नहीं है चलो मैं किसी नाजायज तालुक में हूँ तो नहीं ना यकीन करिए ये ज, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं आपको मेंटली रिटार्ड बना देती हैं आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते आजकल इतनी फ्रस्ट्रेशन की वजह ही ये है कि इंसान इतने बेहूदगी से और इतने फिल्थ से इतनी गंदसी गंदगी से अपने आप को लोग एक्सपोज कर लेते हैं इंटरनेट पे ऊपर कि उनको फिर वो सुकून अपनी जिन, आम जिंदगी में अपनी शादीशुदा जिंदगी में नहीं मिल रहा होता और ये चीजें जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं लोगों को अपने स्पाउसिस अच्छे नहीं लग रहे होते ये ये सारे मसले यहाँ से शुरू हो जाते हैं और क्यों क्योंकि हमने टीन में कई दफा तो कई बच्चे तो उससे पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं या उसके बाद या इवन कई तो इतने सिख हैं कि वो शादी के बाद भी इन चीजों में पड़े रहते हैं और वो अपनी ज़िंदियाँ बर्बाद कर लेते हैं ये मेजर रीज़न बनती है डिप्रेशन की एंगजाइटी की जहनी बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बनती है जब आप अल्लाह साल की बताए हुए अहकाम से हटते हैं ना बेटे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसलिए प्लीज़ बच्चे अपने आप को बचाएँ इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें इन चीज़ों से ये चीज़ें हर किस फ़ायदेमंद नहीं होती इनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है आपकी इस जिंदगी में भी और आपकी आखरत की जिंदगी में भी अच्छा इसके बाद और क्या चीजें किस चीज के बारे में फरमा रहे कि जो मोमिन है वो और क्या करते हैं वो और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं यानी कि वो अपनी जबान के भी पक्के होते हैं और अगर कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करता है अमानत दे कर अमन में आता है यानी कि उनके ऊपर ट्रस्ट करके उन्हें कोई चीज देता है तो वो उसकी भी हिफाजत करने वाले होते हैं यानी कि वो लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं तो अल्लाह तआला जो क्वालिटीज बता रहे हैं मुस्तकिल इस चीज के बारे में जैसे कि तजकिया की बात हुई ना कि अपने आप के बारे में अपना तजकिया करते रहते हैं। तो ये याद रखें क्या ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं अगर हम जन्नत के तालिब हैं अगर हम जन्नत चाहते हैं तो क्या ये चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं इसके अलावा और क्या है यू you हैव और वो जो अपनी नमाजों की पूरी मुहाफ़्सत करते हैं यानी कि पूरा उनको प्रोटेक्ट करते हैं एक जगह जो इसकी मैं तफसीर पढ़ रही थी उसमें उन्होंने कहा आ, सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारी नमाज होती है ना उसकी मुख्तलफ़ लेयर्स होती हैं नमाज फ़र्ज है उसके साथ सुनते हैं उसके साथ नवाफिल हैं फिर अगर आपराक की नमाज भी ऐड कर रहे हैं तहाजुद की भी नमाज ऐड कर रहे हैं तो ये लेयर्स होती हैं जो कि इंसान को प्रोटेक्ट करती हैं उसकी नमाज को प्रोटेक्ट करती हैं तो जो बाहर वाली चीज़ें अगर कभी छूट भी जाती हैं तो एक एक करके लेयर कम होती है ना तो उनके जो फ़राइज हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं तो अपने फ़राइज को वो कैसे सेफ़ रखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बाय एडिंग लेयर्स उनकी सुनते उनके नवाफिल उनकी जो एक्स्ट्रा प्रेयर्स है तहजद है इशराक है ये वाली ऐड करते हैं वो लोग वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत कर रहे होते हैं मिस नहीं होने देते अपनी कोई भी नमाज तो ये कौन सी छठी चीज ऐड हो गई नमाज और आप देखें स्टार्ट भी वहीं से हुआ था कि नमाजों में खुशबू और एंड जो आखिरी करेक्टरिस्टिक बताया है वो भी अल्लाह यही बताया है कि और वो जो अपनी नमाजों की पूरी मुहाफत करते हैं यानी कि हिफाजत करते हैं और जो ये छह चीजें अचीव कर लेते हैं तो उनके बारे में अल्लाह सुबह क्या फरमा रहे हैं उलाई का हमुल वारिसून यही लोग हैं जो वारिस होंगे किस चीज के वारिस होंगे क्या ख्याल है आपका जन्नत के जन्नत के होंगे जन्नत के वारिस होंगे अल्लाजीना यरिसून अल फिरदौस हम फीहा खालिदून वो वारिस होंगे ठंडी छाओ वाले बागात के इसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे अल्लाह सब्बल हमें ऐसे लोगों में शामिल फ़रमाएं अल्लाह सुबह हमें ऐसे लोगों में शामिल फ़रमाएं अल्लाह सुबह हमें ऐसे लोगों में शामिल फ़रमाए आमीन या रब तो अब हमें क्या बता दिया गया है कि यकीनन कामयाबी पाई है ईमान वालों ने जो वो जो अपनी नमाजों में खुशब अख्तियार करने वाले हैं वो जो लग बातों से एराज कर करने वाले हैं वो जो हर दम अपने तस्की की तरफ मतवजा रहने वाले हैं वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहदों की हिफाजत करने वाले हैं और वो जो अपनी नमाजों की पूरी मुहाफिजत करने करते हैं वो वारिस होंगे ठंडी छाओ वाले बागात के इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे बेटे ये छः चीज़ें अपने पास लिख लीजिए कहीं पर या जब भी आपके पास वक्त हो इसको दोबारा पढ़िए और अपने आप को वक्तन फ़वका इसके ऊपर असेस करते रहिए और अगेन माशाला लोगों ने इतना काम कर रखा है इस हर हर आयत के ऊपर इतनी डिटेल है अगर आप मज़ीद डिटेल पढ़ना चाहते हैं ज़रूर जाए और इस्कॉलर्स का सुने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और, और पढ़ें और आगे बढ़ें इसमें लेकिन इन छह चीजों को याद रखिएगा। अगर ये चीजें हैं तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि यही लोग हैं जो तो वारिस होंगे ठीक है आगे चलते हैं। हमने पैदा किया इंसान को मट्टी की खलासी से यानी कि जो बिल्कुल खास उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना मिट्टी की जो आप समझ लें जो उसकी सबसे कीमती चीज है उसमें से इंसान को बनाया गया है मुझे हमेशा ये आयत इतनी अच्छी लगती है आप ये देखें कि हमें सारी आ, हमें बताई गई कि जो मोमिन है उनमें ये ये खसूसियात होती हैं और फिर एकदम से हमारी बिगिनिंग बताई गई हमें तो मुझे लगता है कि जैसे ये बताया जा रहा हो कि जो रब तुम्हें इतने अच्छे तरीके से जानते है ना कि तुम्हारी इतनी माइन्यूट डिटेल्स जिनको पता है जो तुम्हारी बिगिनिंग को जानते हैं तो जो वसीयतें उन्होंने की हैं ना जो जो खासियत जो बताई गई है कि ये ये होनी चाहिए तुम्हारे अंदर उन खास उनको अपने अंदर आंखें बंद करके शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए उन अहकाम को आंखें बंद करके फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये उस रब की उस जात की तरफ से आ रही जो आपको इतनी बिगिनिंग जानते हैं आपकी जो आपको इतने अच्छे तरीके से जानते हैं फिर हमने इसे बूंद की शक्ल में एक महफूज ठिकाने में रखा यानी कि जो यूट्रस है जहाँ पे बच्चा होता है जो बूम होता है वहाँ उसको वो बेशक बड़ा मजबूत आप देखें वो है इस से कि एक पूरा इंसान उसके अंदर पल रहा होता है और नाइन मंथ तक एक माँ जो है उसको रखती है वहां पर लेकिन उसको कोई उस तरह से आंच नहीं आती आप ये देखें कि कितने ट्रॉमा से वो ऑर्गन एक बड़ा मजबूत ऑर्गन है वो इतने ट्रॉमा से गुजरता है वो पूरा एक बर्थ के दौरान फिर सेकंड बर्थ के दौरान फिर इस तरह से उसकी आ, जो है उस ऑपरेशन कई दफ़ा जब सी सेक्शन के थ्रू हो रहा होता है तो उसके उस उस पूरे ट्रॉमा से गुजर रही होती है लेकिन उसके बावजूद फिर और बच्चे भी वहीं से हो रहे तो वाकई एक बहुत मज़बूत मुकाम है المضغة फिर अल्लाह इंसान की तखलीक की स्टेज़ हमें बताते हैं फिर हमने इसे इसेफे को इस नुतफ़े को अलका यानी कि जो हैंगिंग आ, कहते हैं उसको जो जैसे लीच होता है और वो हैंग कर रहा होता है इस तरह हैंगिंग की शक्ल दी दे दी फिर अलका को हमने गोश्त का लोथड़ा बना दिया बस हमने गोश्त के इस के अंदर हड्डियां पैदा की फिर हड्डियों पर गोश्त इतनी डिटेल, इतनी डिटेल के बारे में बता रहे हैं। तो क्या वो रब नहीं जानेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है हम शैतान के पीछे लग के क्या कुछ कर देते हैं इस दुनिया के अंदर और वो रब जो कि हमारी आप वही बात है जो कुरान से कनेक्ट करेगा जो कुरान को पढ़ेगा उसी को ये डिटेल्स मालूम हो सकेंगी बाकी जो हम अपने बड़ों से या इर्द गिर्द लोगों से सुन सुना कर या इंटरनेट पर कोई एक पोस्ट शेयर हुई हुई है वो पढ़ के बस आगे फॉरवर्ड कर दी आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते अपने रब के साथ इस तरीके से जब तक कि आप कुरान ना पढ़ें ऐसे उड़ी उड़ी बातें सुनकर उनमें कुछ सच भी होती हैं उनमें कुछ इंसान का अपना जहनी वो भी होती है सोच होती है किसी की कोई दिल में बात आई तो वो ले ली कई कही दफ़ा कहीं और इसराइलियात इस या कोई क्रिश्चियन ट्रेडिशन से कोई चीज़ उठा ली और वो इस्लाम के अंदर ऐड कर दी तो ये सारी उड़ी उड़ी बातें होती हैं इसलिए बेहतर ये कि इंसान कनेक्ट करे कुरान से ताकि वो अपने रब से कनेक्ट कर सके कितनी बारीक बीन है अल्लाह तआला की जात कि वो हमें ये तक बता रही है कि तुम क्या थे किन किन स्टेजेस से गुजरे एक हदीस में भी आता है कि ये अः चालीस चालीस दिन की ये ती, तीन दफ़ा स्टेजेस आती हैं और उसके बाद जो है अल्लाह तआला एक फरिश्तों को भेजते हैं और फिर इंसान के अंदर रू फू की जाती है वो एक पूरी हदीस है आप लोगों को वक्त मिले तो जरूर देखिएगा कि इंसान की तख्लीक के ऊपर जो हदीस है बड़ी प्यारी हदीस है तो ये सारी चीजें जो है लस हमारे बारे में इतनी डिटेल में जानते हैं तो हमें आंखें बंद करके अपने रब की अदात करनी चाहिए आगे चलते हैं सुम्मा आखर, फिर हमने इसे एक और ही तख्लीक पर उठा दिया इसके बारे में जो मैं पढ़ी थी तो दो राय थी एक तो ये कह रहे थे कि ये बेसिकली आखरत के बारे में बात हो रही है कि जब हमें आख़रत में उठाया जाएगा और एक जो थे उनके बारे में वो इस तरह से बयान कर रहे थे कि बेसिकली अगर ये जो सारी स्टेजेस अल्लाह सुबहान तला ने इंसान के बारे में बताई हैं तो अगर आप ये देखें तो अगर आप पिक्चर्स कंपेयर करें क्योंकि अब तो हमारे पास ये आ, आ, ये सारी सहूलतें मौजूद हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह होते तो ये बड़ी सिमिलर स्टेजेस होती हैं एनिमल्स के साथ भी लेकिन आखिर में इंसान एक नई ही एक बिल्कुल ही डिफरेंट तख्लीक है जिसको खलीफा बनाया गया तो ये ये उसके बारे में बात हो रही है तो बेहतर जानते हैं फिर हमने इसे एक और ही तखलीक पर उठा दिया बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह तमाम तखलीक करने वालों में बेहतरीन तख्लीक करने वाला फिर इसके बाद तुम लोग यकीन मरने वाले हो ये बात हम जानते हैं अल्लाह तारा ने हमें पैदा किया है फिर एक वक्फा है जिसमें हमें परफॉर्म करना है अपने अमल करने हैं और उसके बाद हम दोबारा से मरें मरेंगे और फिर अपने रब के सामने हाजिर होना है हमें फिर क्यामत के दिन तुम लोग यक़ीन उठा दिए जाओगे हमें जिस दुनिया में भेजा गया है परफॉर्म करने के लिए हमें मौत होएगी और वापस उठाया जाएगा और हमसे सवाल किया जाएगा कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं As simple as that. और हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते बनाए हैं तो इसके बारे में भी अगैन मुख्तलिफ राय है कुछ के नज़दीक ये जो सात आसमान है ये इसके बारे में बात हो रही है कुछ के नज़दीक कोई सात अलहदा रास्ते हैं उनके बारे में बात हो रही है तो अल्लाह सरल बेहतर जानते हैं और हम अपने मखलूक से गाफ़िल नहीं है यानी कि जो चीज़ अल्लाह सख्लीक की है वो अल्लाह वह सुबह उससे गाफिल नहीं है वो हर चीज़ उसके बारे में जानते हैं और हमने आसमान से पानी उतारा एक अंदाज़े के मुताबिक तो इसे हमने ज़मीन में ठहरा दिया और हम इसको वापस ले जाने पर भी क़ादर हैं यानी कि अगर ये पानी सूख जाए जो जो भी अल्लाह साल ने पानी ज़मीन पर उतारा है हमारी नशोनमुमा के लिए हमारे लिए हम इस, हम इसको इस्तेमाल करते हैं जो जानवर हैं वो इस्तेमाल करते हैं और हम जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं या जो भी उसमें से नबात निकलती हैं वो हम खाते हैं पीते हैं तो अल्लाह सन् तर मारे कि ये जो भी हमने हमने आसमान से पानी उतारे एक अंदाजे के मुताबिक तो इसे हमने जमीन में ठहरा दिया समंदर बन गए बन गए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और हम इसको वापस ले जाने पर भी क़ादिर है यानी कि अल्लाह चाहे तो ये ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाए ये पानी वापस ले जाए जो हयात है बेसिकली जो जिंदगी है पानी से ही है तो न فيها ومنها तो हमने इससे पैदा किए तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात मतलब अल्लाह तआला ने वो पानी बरसाया उसे जमीन में ठहराया हालांकि वो कादे न इस चीज पे कि उसको ले जाए ब, लेकिन बजाय इसके अल्लाह ताला की रहमत है कि उस हमें उस पानी के लिए तरसा दिया जाता है या वो पानी उठा लिया जाता अल्लाह ताला ने हम फरमाया कि तो हमने इससे पैदा किए तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात इनमें इनमें तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं और इनमें से तुम खाते हो मतलब जो एक मैं तस्वीर पढ़ थी तो बेसिकली क्योंकि अरब की जमीन पे बहुत सारे फल तो मौजूद नहीं होते तो उनमें से कुछ फल जो हैं वो अरब खाते हैं और कुछ जो हैं बाकी दुनिया में और भी मुख्त के फल उगते हैं और वो दरख्त भी हमने पैदा किया जो सीना पहाड़ से निकलता है ये बेसिकली जो जैतून का दरख्त है ये उसके बारे में बात हो रही है वो तेल भी लेकर उगता है जो ऑलिव ऑयल आजकल बहुत ही मशहूर है कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए इसके बहुत सारे फ़वाद हैं और खाने वालों के लिए सालन भी है जो अरब अगर आप आग देखें तो इनमें कई जो लोग हैं वो खाली जो है रोटी और ओलिव ऑयल ये भी खाते हैं। मतलब हम हमारे यहाँ तो बनते हैं वो उनके भी साल बनते हैं। लेकिन ये एक बड़ी आप समझ लेंगे जैतून का तेल और रोटी खाली नुस्खी फ़ीहरा तू जा, जानवर है चौपायों में भी इबरत का सामान है हम पालते हैं तुम्हें इसमें से जो इनके पे सॉरी हम पिलाते हैं हम पिलाते हैं तुम्हें इसमें से जो इनके पेटों में है यानी के जो दूध निकलता है अगर आप वैसे इनको चाक करके देखें तो इनमें आप कुछ भी नहीं पाएंगे सिवाय खून और गोबर के और कुछ भी नहीं होगा लेकिन जब अल्लाह सुबहान तै का हुक्म होता है तो इनके पेटों से वो गज़ा निकलती है जो हम पीते हैं जो दूध है शा, साफ़ शफाफ नशोनुमा देने वाला और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फ़वाद हैं और इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो यानी कि आप ना ही सिर्फ इनका दूध पीते हैं बल्कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उनका गोश्त भी खाते हैं अगर आप ऊंट को देखें तो आप उस पर सवारी भी करते हैं अगर आप उनकी स्किन ले तो आप जो है लेदर बनाते हैं उसके ऊपर उस जमाने में ये लोग टेंट्स बना लिया करते थे तो इनके बहुत सारे फ़वाद हैं उसी एक जानवर से और इन चौपायों पर और कश्तियों पर भी तुम सवाल किए जाते हो सामान तला की बड़ी बड़ी नीमते हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है आगे आज का हमारा लेसन यही तक आगे जो है सुर हज़रत नूह का जो है वो किस्सा शुरू हो जाता है तो मुझे लगा कि यहाँ तक हम इसका इसको लेके चलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जो अम्बिया का किस्सा आएगा हम उसको पढ़ेंगे तो आज के हमारे की लेसन देख लेते हैं कि यकीन कामयाबी पाई है ईमान लाने वालों ने जो और इसी इसको जानने के लिए सूर्य मोमिन की जो पहली ग्यारह आयतें हैं इनको ज़रूर पढ़ें बारह हाँ पढ़ें और अपना तजिया करें फिर जो अल्लाह ने कहा है कि वो लोग उनकी जो एक जो ख़ास बात अल्लाह ने बताई उसमें ये था कि वो लग बातों से परहेज़ करते हैं तो अपने आप को देखें कि हम इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और इनमें से कौन सी चीज़ों से हमें बचना चाहिए या हम अपनी जिंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और जो एक खास चीज अल्लाह ने मेंशन की कि जो कोई भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के और जो कोई भी इसके अलावा किसी और चीज में जाएगा तो वो हद से बढ़ने वाला है तो इसके अलावा बढ़ने की क्या मतलब है यानी कि नाजायज ताल्लुक यानी कि बेहुदा गाने और फिल्में सुन देख कर सुनकर ये चीजें हमें नॉर्मल लगने लग जाती हैं फिर इंटरनेट पर जो जो फोश चीजें हैं उनको देखना इन चीजों से परहेज करना चाहिए इस गंदगी से परहेज करना चाहिए अपने आप को बचा के रखना चाहिए और जो अल्लाह ने छह क्वालिटीज बताई हैं कामयाब होने वाले ईमान वालों की जिनको अल्लाह सुबह फरमाने की ये वारिस होंगे जन्नत के ठंडी छाव वाले बागात के और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और ये कौन सी छः क्वालिटीज़ हैं सबसे पहले कि वो अपनी नमाज के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं खुश अख्तियार करते हैं फोकस होकर नमाज़ पढ़ते हैं जो अल्फाज वो अदा कर रहे होते हैं उनके बारे में कॉन्शियस उन्हें पता होता है कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा वो फजूल बातों से एराज करते हैं अपने नंबर तीन अपने आप अपने आपको इम्प्रूव करने अपना तजगिया करते रहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में कॉन्शियस रहते हैं हर हर वक्त अल्लाह जो काम वो कर रहे होते हैं वो अल्लाह साल के बारे में कॉन्शियस होते हैं उनका तकवा रहता है उनके अंदर और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं यानी कि बेहूदा चीजों से बचते हैं शर्मगाहों का इससे हिफाजत का मतलब सिर्फ वो एक्ट जिना नहीं है उससे पहले चीजें जो आपको उसकी तरफ लेके जा रही होती हैं उनसे भी बचना है बेटे इसके साथ साथ पांचवी चीज जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं यानी कि वो ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं उनको अगर कोई अमानत देता है या कोई अपनी वो किसी से कोई किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं और नंबर छ और वो जो अपनी नमाजों की पूरी हिफाज़त करने वाले हैं किस तरह से हिफाजत करेंगे कि आप लेयर्स क्रिएट करते हैं आप अपनी कोई नमाज मिस नहीं करते हैं। नमाज बेहूदगी से भी बचाती है मतलब नमाज के बारे में तो बेतहाशा कुरान में भी और बेतहा है तो नमाज तो बेटे ऐसे समझ लें कि ये तो जैसे सांस लेना है जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते आप नमाज नहीं छोड़ सकते ये बात याद रखिएगा जी फायजा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि नमाज आपकी आवाज ब्रेक हो गई सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो गई भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या भाई तो।

सॉरी मैम बेटा आपकी सारी आवाज ब्रेक हो गई मैम की बात नहीं सुन पाई سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته